कम से कम इस आरोपी ने कोई भेदभाव नहीं किया, इसमें हिंदू देवस्थान की भी जमीनें हैं और वक्फ बोर्ड की भी 3 जमीनें हैं। तो मैं सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि मैंने विस्तारित इसमें जो रिपोर्ट फाइल हुई है, एफआईआर मैंने पढ़ी है, जो 3 वक्फ की जमीनें हैं, वक्फ इज गवर्न्ड अंडर अ डिफरेंट एक्ट। तो आप अगर देखेंगे जो केसेस रजिस्टर हुए अंडर एंटी करप्शन एक्ट 420 वगैरह, वक्फ का जो एक्ट है उसमें जो प्रोविजन है मिसयूज ऑफ लैंड, उसके तहत कार्रवाई नहीं हुई, सरकार उसके लिए निर्देश देगी क्या? दूसरा मेरा क्वेश्चन है अध्यक्ष महोदय, जैसे सन्मान्य आशीष शेलार जी ने आज कहा कि एक कानून की जरूरत है, अब वक्फ एक्ट तो है ऑलरेडी, और अध्यक्ष महोदय 2007 में द रिपोर्ट ऑफ कमीशन ऑफ इंक्वायरी वक्फ बोर्ड महाराष्ट्र इसके लिए नोटिफिकेशन निकला था, और 2015 में इसकी रिपोर्ट सबमिट हुई थी जिसमें ऐसे ही सिमिलर 400 केसेस है। क्या सरकार वो रिपोर्ट एक्सेप्ट करके उन पर कार्रवाई करेगी क्या? और अध्यक्ष महोदय 2 बार इस सदन में बोल चुका हूं, ना ही सीओ वर्क बोर्ड है, ना ही स्टाफ है, ना ही ऑफिस है, ना ही ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश्ड है। तो अगर सरकार की तरफ से प्रोएक्टिव एक्शन नहीं होता तो इस तरह से मिसयूज चालू रहेगा। क्या सरकार इसको एग्जाम्पल बना के वक्फ एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई करेगी क्या? सन्मान्य सदस्यांनी जो मुद्दा उपस्थित केला जरूर तपासून पाहण्यात येईल, आणि आपण सांगता त्याप्रमाणे वक्फ ऍक्ट प्रमाणे जर कारवाई करायची आवश्यकता असेल तर त्याही संदर्भातल्या सूचना देण्यात येतील। आपण ज्या रिपोर्टचा उल्लेख या ठिकाणी केलेला आहे, जरूर तो जो रिपोर्ट आहे त्या रिपोर्टवर सरकार ऍक्शन टेकन रिपोर्ट काय आहे तो सादर करेल।